हाय एवरीवन, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं आपके स्टैटिक जी के बूस्टर सीरीज़ की। अगर आपके फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको ऐसे लगता है कि वन डे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो फैक्ट बेस्ड होते हैं आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो 15 मिनट की ये जो सीरीज़ है आप डेली लो। ये है स्टैटिक जी के बूस्टर सीरीज़, जिसमें हम 15 मिनट यानी कि सिर्फ 10 मिनट में आपको जो है एक तरीके से स्टैटिक डोज देती हूँ, राइट। और ये क्लास बच्चा डेली बेसिस पे होती है। 11:45 AM पे आपको ये क्लास जो है वो लाइव देखने को मिलेगी। कल के लेक्चर में हमने बात की थी कुछ फर्स्ट इंडियन कैटेगरी में, यानी कि जैसे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ये सारी कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था कि पहले ऐसे जानीपत अवार्ड किन्होंने जीता था, अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसको हम पीपल हाउस कहते हैं, लोकसभा एक टेम्प्ररी हाउस, इसको हम उनका स्पीकर कहते हैं। अब पहले ऐसे स्पीकर कौन बने, ये थे गणेश वासुदेव मलवंकर, इनके बारे में भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो ये आपके एक इंडियन एक्टिविस्ट थे और इवनली ये प्रेसिडेंट भी बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1946 से लेकर 1947 तक। तो ही वाज अ फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन एग्जाम में आए कि हु वाज अ फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो आपको याद रखना है गणेश वासुदेवा, राइट। नेक्स्ट बढ़ती हूँ, अगला जो हमारे पास आता है, अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये अभी हमने पीछे भी किया था कि पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ क्वेश्चन आस्क होता है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसके द्वारा दिया गया, आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस पर्टिकुलर सत्याग्रह में दिया गया था, बरदोली के सत्याग्रह में 1928 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर। उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल वो कौन है, आपको याद रखना है एस मुखर्जी। एस मुखर्जी जो है ये फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, बंगाली फैमिली में बिलोंग करते हैं, यानी कि बंगाल स्टेट से इनका जो है जन्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऐसे पहले इंडियन नवल चीफ कौन बने हैं, वाइस एडमिरल आपके आर डी कतारी, ठीक है। अगेन ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पहली बार ये ऑफिस जो है वो होल्ड किया। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर की पोस्ट थी जो इंडियन को आपकी मिली। फर्दर मोर अगर ये पूछा जाए कि ऐसे पहले जज कौन बने, इवनली एडवाइजर भी रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, बहुत अच्छे जूरिस्ट भी थे, सिविल सर्वेंट भी थे, डिप्लोमैट भी थे, और ही मेड अ रिमार्क टू बी द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द ईयर। तो अगर ये पूछा जाए कि ऐसे पहले जो है इंडियन कौन बने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बने फ्रॉम 1985 टू 1988, आपको याद रखना है बी एन राव। बी एन राव जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर भी रहे। उसके बाद फर्स्ट ऐसे पर्सन कौन बने जिन्होंने सेंट्रल कैबिनेट से रिजाइन किया, ठीक है। उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इंडियन पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर थे, अकेडमियन थे। इन्होंने आपका जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहले ऐसे पर्सन बने थे जिन्होंने रिजाइन किया था सेंट्रल कैबिनेट से। देन हमारे पास आता है कैसे पहले फॉरनर कौन बने जिनको जो है भारत रत्न अवार्ड जो है वो आपका प्रेजेंट किया गया। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका नाम है खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। खान अब्दुल गफर खान ये हमारे ऐसे पहले जो है फॉरनर बने जिनको भारत रत्न मिला, राइट। तो अगेन फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे फर्स्ट पर्सन जिनको नोबल प्राइज जो है वो इकोनॉमिक्स में मिला, इकोनॉमिक्स में पहले पर्सन कौन है जिनको नोबल प्राइज मिला। जैसे आपने जाना कि साइंस कैटेगरी में आपका सीवी रमन को मिला, लिटरेचर कैटेगरी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, वहीं पर अगर ये क्वेश्चन आए कि पहले ऐसे पर्सन कौन है जिनको नोबल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है, उनका नाम है अमर्त्य सेन। फर्दर हमारे पास आता है कि ऐसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन रहे हैं। अगर मेन कैटेगरी में पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेन कैटेगरी में पूछा जाए कि फर्स्ट मैन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आपको याद रखना है जस्टिस हीरालाल जे कान्या, राइट। अगेन ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि से फर्स्ट इंडियन पायलट कौन बने, इनका नाम था JRD टाटा। ये फ्रेंच बॉर्न थे बट इंडियन बिलोंग थे, तो ये पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने आपके पहले पायलट बने। मेन कैटेगरी में मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं वुमेन कैटेगरी में नहीं आई हूँ। ये है आपके JRD टाटा। फर्दर मोर, ऐसे पहले पर्सन जिनको नोबल प्राइज जो है केमिस्ट्री में मिला, केमिस्ट्री कैटेगरी में किनको मिला, रामकृष्णन जी को मिला। अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट भी हैं और इंडियन ओरिजिन है यानी कि इंडियन बॉर्न है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर नोबल प्राइज जो है रामकृष्ण, ये आपको याद रखना है, केमिस्ट्री कैटेगरी में इनको मिला। फिजिक्स कैटेगरी में तो आपको पता ही है कि CV रमन को दिया गया। तो ये कुछ ऐसी फर्स्ट इन कैटेगरीज होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसी कैटेगरीज को रीड आउट कर सके, राइट? ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि इतने सारे हमारे पास सिलेबस होता है तो इनको हम रीड आउट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ये सीरीज लाई गई है जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ आपके 10 मिनट मैं लूँगी, उसमें आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी बताऊँगी। अब यहाँ पर अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ऐसे पहले पर्सन कौन थे फर्स्ट टू रिसीव अ नोबल प्राइज इन पीस, जैसे लिटरेचर में किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, केमिस्ट्री में रामकृष्ण जी को, ठीक है, फिजिक्स में CV रमन को, और इसी तरीके से अगर पीस में पूछा जाए तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी, राइट? एंड ऐसे पहले पर्सन जिनको परमवीर चक्र मिला मेन कैटेगरी में, ये है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो आज की हमने कौन कौन से की एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टू रिसीव परम चक्र मेजर सोमनाथ, एंड फर्स्ट टू रिसीव नोबल प्राइज इन पीस कैटेगरी कैलाश सत्यार्थी, फर्स्ट टू रिसीव नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री रामकृष्णन जी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मेन कैटेगरी हरिलाल जे कानिया, फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा, एंड अगर ये पूछा जाए फर्स्ट टू रिसीव नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अमृत सेन, फर्स्ट फॉरनर टू रिसीव द भारत रत्न अब्दुल गफर खान, देन फर्दर फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एंड फर्स्ट इंडियन फर्स्ट जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सर BN राव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर भी रहे, फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमायरल RD कतारी, एंड फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल S मुखर्जी, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्ण, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा गणेश वासुदेवा मेवंकर, राइट? तो ये आज की कैटेगरी थी। पिछली कल की कैटेगरी में मैंने आपको ये सारे करवाए थे। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ उनको वॉच करिए। स्टैटिक GK की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जस्ट 10 मिनट देने गाइस, 10 मिनट्स अ डे कीप्स अ नेगेटिव मार्किंग अवे, राइट? कई बार ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। आपको खुद अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आई होप गाइज यू लाइक द लेक्चर, आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।